देखिए आज बेटा संटी मल्होत्रा ने आज फरीदाबाद के अपने पुराने लोगों को यहाँ पर एकत्रित किया, चाय पर बुलाया है, मुझे भी बुलाया है। हमारे जिला अध्यक्ष राजकुमार वोरा जी भी हैं, अपने अजय गौड़ जी भी हैं और दूसरे सुभाष आहूजा जी भी हैं। सब लोगों को, शहर के प्रमुख लोगों को यहाँ पर बुलाया है। चाय पर आज सबसे मिलने का इन्होंने मौका दिया है और आने वाले चुनाव पर भी चर्चा हुई है। लेकिन अगला चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, ये लोगों के माहौल से लग रहा है। क्या लगता है अब रुझान आप देख रहे हैं, लेकिन अगर आप विपक्ष की बात करें, वो कहते हैं कि फरीदाबाद में कोई काम नहीं हुआ है, आप देखिए हर जगह जो है काम सिर नहीं चढ़ रहा है, लेकिन लोगों का प्यार यहाँ आपने देखा, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए फरीदाबाद की तस्वीर तो लोग तय करेंगे, फरीदाबाद की 2014 से पहले क्या तस्वीर थी आज क्या है, लोग खुद अनुभव करते हैं, इसलिए बार बार भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं और तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी की सरकार भारी बहुमत से जीतेगी और फरीदाबाद लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। शंटी जी के लिए लगातार प्यार दिखा, शंटी अपना बच्चा है और ये पार्टी के लिए दिन रात काम करता है और आज भी इन्होंने सब लोगों को यहाँ पर चाय पर बुलाया है, अपने सब लोगों को, तो बहुत अच्छा आयोजन इन्होंने किया है, आज सबसे मिलने का मौका मिला है। माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा है और अब भी मंत्री जी, आज एक हमारा एक छोटा सा कॉल पर लोगों ने भी इतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया प्रोग्राम में और माननीय मंत्री जी, अजय गौड़ जी और हमारे जिले के अध्यक्ष राज बोहरा जी आज हमारे यहाँ पहुँचे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। मैं मानसी जी, मैं इन सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरी एक छोटी सी कॉल पे यहाँ पे आए जी। मुझे मंत्री जी ने यहाँ से गवर्नेंस कमेटी मेंबर बना के भेजा था जी। तो मैं, अब हमारी एक दिली इच्छा थी कि मैं उनको चाय पे बुलाऊं और आज आपके सामने सारी बिरादरी सब लोग यहाँ आए, उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने कवरिंग करी उसके लिए भी धन्यवाद दोनों चैनलों का। लोकसभा रक्ष की शुरुआत जो है संटी भाई आपके यहाँ से, ये क्या कहेंगे? ये अजय भाई ने आज ये हमारे को ये दिया है कि आज जो यहाँ से शुरुआत है लोकसभा के रथ की, शंटी मल्होत्रा के घर से हुई है, तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना मान सम्मान दिया, भरपूर प्यार दिया है, पूरा जितना प्यार आप देख रहे हैं लोगों ने दिया है, एक ही कॉल पे सब यहाँ पे मेरे साथ यहाँ पे थे, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों चैनलों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।